सो दोस्तों अभी आए हैं दार्जिलिंग का जू चिड़ियाघर घूमने के लिए और उसका टिकट 110 रुपया है। चलिए ले लिए हैं, अब एंट्री करते हैं। चलिए दो आदमी तो दोस्तों अब हम लोग ऊपर आ चुके हैं। ये पहले हम एंडिंग पॉइंट घूम लिए। एंडिंग पॉइंट में बर्ड उड है, चिड़िया सब बहुत सारा है, मुर्गा ये वो सब, आपको आवाज़ भी आया होगा, बहुत सारा पक्षी है और थोड़ा मछली भी है, फिश भी है, वो भी आप लोग देख ही लिए। अब निकलते हैं, टाइगर वगैरह देखते हैं। चलिए चलते हैं। ये सब आप जितना भी देख रहे हैं ये सब पक्षी है, सब अलग अलग किस्म का पक्षी, बहुत ही अच्छा है। और हर जगह कैमरा लगा हुआ। हम लोग बादल से भी ऊपर चिड़ियाघर घूम रहे हैं। ये सब जानवर बहुत ही खतरनाक है, देख सकते हैं। ये बकरी, बोतू, ये सब है, लेकिन बहुत ही हिरन, बहुत ही। तो दोस्तों ये सब जानवर जो आप लोग देख पा रहे होंगे बहुत ही खतरनाक लग रहा है जानवर। और आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि हम लोग के यहाँ चिड़ियाघर जो होता है हम लोगों से ऊपर जानवर को रखा जाता है, यहाँ उल्टा है, नीचे रखा जाता है। चलिए आगे दिखाते हैं। जा इधर आइए, जरा उतारिएगा दर्शी को। देख सकते हैं ये संस्था, देखिए हिमालयन कौन सा है। चलिए चलते रहते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे तो कुछ खास नहीं है, लेकिन हर जगह आर्मी सब का बना हुआ है और हिमालय पर्वत के बारे में कुछ बोल रहा है। तो चलिए आप लोग एक चीज़ देखे होंगे, गांठ जो बना जाता है वो किस तरह का होता है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये एक तरह से म्यूजियम हो गया। यहाँ का तो मौसम का तो पहले पता नहीं चलता कब बारिश पड़ जाता है, कभी क्या हो जाता है। अभी भी बारिश पड़ना स्टार्ट हो गया है और देख सकते हैं यहाँ लोकेशन बहुत ही बेहतर लगा। चलिए और देखते हैं यहाँ क्या क्या है, आप लोगों को भी दिखाते हैं। यहाँ पे वीडियो बनाने का अलाउ नहीं था, फिर भी हम आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर लिए। देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ दिखाया गया है कि हिमालय पर्वत का जब कटिंग हो रहा था उस पर जो चढ़ा हुआ था तो कैसे कैसे क्या हो रहा था वो सब चीज़ इसमें दिखाया गया है। सब उसका टोटल म्यूजियम में सजा दिया गया है, तो बहुत ही बेहतर लगा देखने में। तो छोटा मोटा वीडियो हम भी कर लिए हैं, आप लोग देखिए ये म्यूजियम देखिए कितना अच्छा लगा। और ये बाहर का नज़ारा है, बहुत ही बारिश पड़ रहा था और मौसम तो बहुत ही ख़राब था। ट्रेन देख सकते हैं और हम लोग कॉफ़ी पी लिया। कॉफ़ी पीने के बाद ये देख सकते हैं यहाँ का बहुत ही बेहतर नज़ारा म्यूजियम का। उसके बाद बर्ड म्यूजियम गए जो कि बहुत ही मतलब बर्ड का हर चीज़ दिख रहा था, खाल सब का मतलब बना हुआ था स्ट्रक्चर, बहुत ही बेहतर लगा देखने में। देख सकते हैं कितना बेहतर लग रहा है। यहाँ भी वीडियो करने का अलाउड नहीं था, फिर रूम पर आ गए।